इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहा मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं जहां हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। दोस्तों सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे, और तो और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिम्पल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिम्पल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया को सेक्सुअल डैमेज पिस्तक बोल दिया था। यही कारण था कि उनका नाजायज रिश्ता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ रहा। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया का प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने ही राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनकी दिन रात सेवा की। आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि राजेश खन्ना जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अमृतसर शहर में जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदल लिया था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1969 से लेकर 1975 के बीच की। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था। राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के जमाने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनकी रुचि अभिनय के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदारों ने पाला था, वो भी बड़े लाड़ प्यार के साथ। राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया था। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं। साल 1966 में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था। हालांकि 3 साल बाद आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम होने नहीं दिया। उस दौर में वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे, जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनके जैसी लोकप्रियता किसी और ने कभी हासिल भी नहीं की। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी। महिलाओं में खास तौर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश खन्ना दरियादिल शख्स थे। कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहे। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से हुई। डिम्पल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश खन्ना पहली ही नजर में डिम्पल को दिल दे बैठे। वहीं डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिम्पल ऋषि को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया। बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 साल तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिम्पल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ काका का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन
जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद डिंपल उनके पक्ष में रही और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी अभिनेत्री टीना मुनीम से प्यार हो गया। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिंपल काफी दुखी हुई और राजेश खन्ना से अलग हो गई। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे। राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं था, यहाँ तक कि फैंस भी उन्हें भूल चुके थे। इसी अवसाद और अकेलेपन के दिनों में राजेश खन्ना अक्सर आनंद बख्शी से बात किया करते थे। 1985 में डिंपल कपाड़िया ने इंडिया टुडे को बताया था कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की उस दिन हमारे घर में जीवन और खुशियां खत्म हो गई। हालांकि राजेश और डिंपल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया क्योंकि इससे उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता जिनके वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। जब टीना मुनीम राजेश को छोड़कर चली गई तब राजेश और डिंपल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिंपल और काका ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए। सही मायने में डिंपल ही काका का एकमात्र प्यार थी। काका ने एक बार यह कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिंपल से प्यार करता हूं। डिंपल के लिए भी राजेश के दिल में खास जगह थी। डिंपल ने एक बार कहा था, वह मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा, वह कभी भी महत्वहीन नहीं हो सकते। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए तो डिंपल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही। लेकिन फिर 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार कहा था, क्या आपको लगता है कि वह चले गए? नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद करता है। तो दोस्तों, आपको राजेश खन्ना की लव लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।